नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुरभीष शर्मा। अब से कुछ ही देर बाद आसमान में एक अद्भुत घटना घटने वाली है। यूं तो चंद्रग्रहण हर साल कई बार लगता है, लेकिन आज रात जैसा संयोग कभी कभी बनता है। आखिर आज का चंद्रग्रहण खास क्यों है, कहाँ कहाँ पर दिखेगा, कितने बजे से शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर अनंत आकाश में आज कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इस साल पहली बार होने जा रहा है। कुछ ऐसा होता है जब चमकता हुआ चांद धीरे धीरे अंधेरे की आगोश में गुम हो जाता है, और इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन आज जो चंद्र ग्रहण हो रहा है वो ऐसा नहीं है। आज का चंद्र ग्रहण सामान्य ग्रहण जैसा नहीं है, ये उप छाया ग्रहण है। इसमें चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं दिखाई देगा, बल्कि चंद्रमा के आगे धूल जैसी एक परत छा जाएगी, और उस वक्त से चंद्रमा धुंधला धुंधला नजर आएगा। ग्रहण 3 तरह का होता है, पूर्ण ग्रहण, आंशिक ग्रहण और उप छाया ग्रहण। उप छाया ग्रहण में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ऐसी स्थिति में होते हैं जहां से पृथ्वी की हल्की सी छाया चंद्रमा पर पड़ती है और वो धुंधला सा दिखता है। आंशिक ग्रहण में चंद्रमा का कुछ हिस्सा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, और पूर्ण ग्रहण में पृथ्वी की छाया पूरी तरह चंद्रमा को ढक लेती है। लेकिन आज चंद्रमा का कोई भी हिस्सा पृथ्वी की छाया से नहीं ढका होगा। आज साल 2020 का पहला चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण रात 10:37 पर शुरू होगा। यह ग्रहण करीब 4 घंटे तक रहेगा, रात 2:42 पर खत्म होगा। यह इस साल और इस दशक का पहला चंद्र ग्रहण है जो भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकता है। आज का चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया और अफ्रीका के सभी देशों में, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और भारतीय महासागर में देखा जा सकता है। इस ग्रहण को सीधे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उप छाया ग्रहण होने की वजह से चंद्रमा के किसी हिस्से पर पृथ्वी की छाया नहीं पड़ेगी। करीब 90% हिस्से की रोशनी पर असर पड़ेगा, जिसे विशेष उपकरणों से ही देख पाना मुमकिन है। और हमारी इस खास पेशकश की हम शुरुआत कर रहे हैं। खास रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन आपको बता दें स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं, ज्योतिषाचार्य इंदु प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं, और ज्योतिषाचार्य शैलेश तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। साथ ही धर्मगुरु डॉक्टर एच एस सुरावत और वैज्ञानिक के सिद्धार्थ इस वक्त हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम साइंटिस्ट के सिद्धार्थ से ये जानना चाहते हैं कि आखिर साइंटिफिक नजरिए से समझा जाए तो आज के दिन क्या क्या खास ऑब्जर्वेशंस रहेंगे। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि यह स्थिति है, इसे कहते हैं इंग्लिश में सिजिगी, सन, अर्थ और मून एक छाया में हैं। और सामान्यतः अगर ऐसा होता है कि सन और मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आते रहता है तो वह सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, और अगर पृथ्वी की छाया में चंद्रमा चला आता है तो यह चंद्र ग्रहण की स्थिति आ रही है। और यह जैसे कि बताया, इन्होंने हिंदी में बताया मानदेय, तो यह पेनुम्ब्रा है, मतलब न्यूम्ब्रा होता है तो पूरी तरह से 100% एक्लिप्स होता है, और यह पार्शियल एक्लिप्स है, पूरी तरह से नहीं है। अगर मान लेते हैं पूरी एक्लिप्स भी होती तब भी चंद्रमा धुंधला नज़र आता, क्योंकि तब क्या होता कि एटमॉस्फेयर से सन के रेज रिफ्रैक्ट करके चंद्रमा पर चली आती, तब भी वो दिखता जो सामान्यतः लॉजिकली दिखना नहीं चाहिए था जी। तो यह इसकी स्थिति है जो कि वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल इसे महत्वपूर्ण। सर वो रिफ्रैक्ट करती है या डिफ्यूज करती है, क्या करती है एग्जैक्टली, क्या शब्द आप इस्तेमाल करेंगे? शब्द है कि डिफ्यूजन, तो दे आर डिफ्यूज्ड और रिफ्रैक्टेड। नहीं, डिफ्यूजन तो पूरे जगह पे होता है, डिफ्यूज लाइक कॉस्मिक रेडिएशन कराता है, यहाँ से रोशनी पड़कर और ये पूरी जगह चितरा जाती है, तो ये स्कैटरिंग भी आप कह सकते हैं। स्कैटरिंग द प्रॉपर टर्म इज स्कैटरिंग। डिफ्यूजन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट करके अपने एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज भी कर देता है। ये तीनों पहलू यहाँ पर हो सर। ये इस ऑब्जर्वेशन को लेकर अगर हम देखें तो अलग अलग तारामंडल में भी, प्लानिटेरियम में भी खास तैयारी की गई है, और क्या वाकई इसे नेकेड आई से भी देखा जा सकता है या नहीं, इस बारे में भी और जाने। लेकिन उससे पहले वैज्ञानिक के सिद्धार्थ से मेरा ये सवाल होगा। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि जिस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि काफी धुंधला हो जाएगा चंद्रमा, एक ऐसी छाया इसके ऊपर पड़ेगी या एक ऐसा रिफ्लेक्शन होगा जिससे क्लैरिटी नहीं होगी, क्या वाकई इसकी चमक भी काफी फीकी हो जाएगी जो नॉर्मल दिनों में हम देखते हैं उसके कंपैरेटिवली?
हाँ, इसमें चमक कम होनी है क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि एक तो सूर्य की रोशनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, अवरोधित हो जाएगी, और सूर्य की रोशनी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर वायुमंडल से पढ़कर इसके ऊपर में जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि वायुमंडल से पहले, पृथ्वी से पहले सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती थी, अब वह वायुमंडल से होकर जाएगी, तो चांद जो जैसा पहले नजर आता था उसे धुंधला निश्चित रूप से नजर आएगा। तो इसके पीछे यह इसका कारण होता है कि वो धुंधला क्यों नजर आएगा। किस तरह से ये चंद्र ग्रहण अलग है, के सिद्धार्थ इस वक्त वैज्ञानिक हमारे साथ हैं। आप हमें थोड़ी देर पहले ये भी बता रहे थे कि किस तरह से दुनिया में, हालांकि यूएस का आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, कि कुछ पैरासोशलिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की टीम्स भी होती हैं जिनकी एक खास ऑब्जर्वेशन रहती है कुछ चीजों को लेकर, तो क्या वाकई इन रिपोर्ट्स के आधार पर भी कुछ बदलाव इस समय में खास तौर पर देखे जाते हैं? क्योंकि ये समय बताया जा रहा है 4 घंटे 1 मिनट तक ये रहेगा इस पूरे ये पूरा चंद्र ग्रहण। वह चंद्रग्रहण से संबंधित था थोड़ा, लेकिन वह सारे प्लैनेटरी बॉडीज के आधार पर पैरासाइकोलॉजिस्ट ने ऐसा निष्कर्ष निकाला था कि अप्रैल तक कुछ न कुछ टर्मोइल की स्थिति होगी, विक्षोभ की स्थिति होगी, टर्बुलेंस की स्थिति होगी। अब इन दोनों के बीच में संबंध हमें नहीं मालूम है, सही है या नहीं है यह भी नहीं मालूम है, सही होगा या नहीं होगा यह भी नहीं मालूम है। हाँ, कुछ बातें उसकी टर्मोइल की देखने पे मिल रही हैं, लेकिन अप्रैल तक ये कंटिन्यू कर पाएगा वह पता नहीं है। अब जैसे कि अगर इसको आप बिल्कुल साइंटिफिक फॉर्म में देखेंगे तो चंद्रमा के ऐसे जिस पोजीशन ऐसे आते हैं, जैसे सिजगी की आज की बात नहीं है, लेकिन जब भी कभी सन मून और अर्थ एक पोजिशन में ऐसे आते हैं तो इन तीनों के ग्रेविटेशन फोर्स से अच्छा खासा पड़ सकता है। इस बार नहीं, क्योंकि इस बार दूरी अधिक है और इस ग्रेविटेशन फोर्स से 2-3 घटनाएं हो सकती हैं अच्छी खासी, जैसे कि जितने भी ऐसे वोल्केनो हैं जो कि सुप्त हो चुके हैं, मतलब सोए हुए हैं, और या उनके ऊपर में जो तरल पदार्थ था उसकी एक परत जम गई है, तो जो तरल पदार्थ के ऊपर में एक सॉलिड परत जम गई है, बहुत मोटी परत नहीं है, तो कभी कभी वह रप्चर कर जाता है, टूट जाता है, तो टूट जाता है, उससे वोल्केनिक एक्टिविटी भी हो सकती है। हाँ, कभी कभी कुछ लोग ऐसी बात करते हैं तो वह वोल्केनिक एक्टिविटी एक्सप्लोसिव होगी या विस्फोटक होगी, वह कभी नहीं होगा, वह हमेशा होगा तो शांति होगा। उद्गार भी ज्वालामुखी का होता है, वो शांत भी होता है और वह विस्फोटक भी होता है। हालांकि रावत साहब, ये भी असामान्य मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर हम आस्था वर्सेस विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ आज कोई कंफ्लिक्ट नजर नहीं आ रहा है। वही हैरान हूँ कि हमारे वैज्ञानिक के सिद्धार्थ इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहली बात को, देखो दूसरी पे ये कह रहे हैं कि विस्फोटक सच्चे वैज्ञानिक लग रहे हैं। नहीं नहीं, वैज्ञानिक सच्चा होता है और उनको पता है। आज पहली बार हमारे के सिद्धार्थ को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को माना है कि जब सन मून और पृथ्वी जब एक सीध पर आती है तो कुछ होता है, ग्रेविटी का कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है, और जब ग्रेविटी का इफेक्ट आए तो पृथ्वी के अंदर भूकंप है, कहीं ना कहीं सुनामी है, कुछ ना कुछ तो हो गई, क्योंकि सारा सिस्टम तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात आज यही है कि किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट नहीं था, समय की कमी थी, मुझे आप सबको रोकना पड़ेगा। बहरहाल लगातार आ रही तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे।